यूं तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मछलियाँ की कई प्रजातियाँ पाई जाती है, जो कि 1 इंच से लेकर 10 फीट तक की साइज में भी हो सकती है। इन मछलियों को लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपको पता है कि कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती है जिन्हें सिर्फ छूने मात्र से इंसान की मौत हो सकती है। आपने कभी करंट मारने वाली मछली को देखा है? जी हाँ, ये बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन यह सच्चाई है जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक ईल। पृथ्वी पर मौजूद हर एक क्रिएचर के पास अलग अलग प्रकार की खूबियाँ मौजूद है। इनमें से तो कुछ जीव ऐसे खूबियों के मालिक हैं कि यकीन ही नहीं होता कि असल में ऐसा कुछ हो सकता है। अब इलेक्ट्रिक ईल को देख लीजिए, इसके पास तो सचमुच का एक सुपर पावर है। एक इलेक्ट्रिक ईल करीब 600 वाट के वोल्टेज को पैदा कर सकती है। इतनी बिजली किसी भी जानवर या इंसान को भारी शॉक देने के लिए काफ़ी है। इसकी बिजली इतनी तेज होती है कि इसके वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकती है, जिसके वजह से किसी की भी जान जा सकती है। ये झटका इतना तेज होता है कि इससे 40 वाट की लाइट बल्ब भी जलाया जा सकता है। इसलिए हमारी आपसे यही गुजारिश है कि जब भी कभी इनसे मुलाकात हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य कीजिएगा। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक ईल की कुल 3 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें इलेक्ट्रिक ईल, भारी इलेक्ट्रिक ईल, वोल्टा इलेक्ट्रिक ईल शामिल है। ये सभी प्रजातियां अमेजोन रिवर या उसके आसपास वाले इलाके में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ये चाहे तो बड़े से बड़े जानवर को अपने एक झटके से हिला कर रख सकती है। अगर यकीन नहीं होता तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे मौके बहुत ही कम देखने को मिलते हैं कि ज़मीन पर रहने वाले जीव का सामना पानी में रहने वाले जीव से हो, मगर जब भी ऐसा होता है तो इसके बीच की झड़प काफ़ी मज़ेदार हो जाती है। यहाँ देखा जा सकता है कि जिस वक्त एक डॉग इलेक्ट्रिक ईल को दबोचने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी ये मछली अचानक से डॉग को शॉक दे देती है। बेचारा डॉग समझ भी नहीं पाता कि इसके साथ क्या हुआ। डॉग वहाँ से भागने में अपनी भलाई समझकर वहाँ से निकल लेता है। ज़मीन पर रहने वाले जीवों के अलावा एक ईल पानी के किंग कहे जाने वाले मगरमच्छ को भी मजा चखा सकता है। आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि जिस वक्त एक मगरमच्छ इस ईल फिश पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है तो किस तरह ये मछली जवाबी हमला करती है, और देखते ही देखते कुछ ही देर में मगरमच्छ का पूरा शरीर अकड़ जाता है। मतलब कि साफ है कि बिजली के झटके की वजह से मगरमच्छ की यह हालत हुई है। कुछ ही देर में बेचारे मगरमच्छ की जान चली जाएगी। अब तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यह मछलियाँ कितनी खतरनाक हो सकती है। तो आप ही सोच सकते हो कि जो मछली एक मगरमच्छ को मौत की नींद सुला सकती है, तो पानी में रहने वाले छोटे मछलियों को क्या होता होगा। कभी कभी दूसरी मछलियों को पहचानना और उसके बीच का फ़र्क मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर लंबी मछलियों को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये मछलियाँ आमतौर पर गर्म और मटमैले पानी में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इन मछलियों को स्किनलेस होने के कारण इन्हें पानी में ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने पानी में रहने वाले ऐसे अतरंगी जीव के बारे में जाना जो अपने कुदरती करिश्मे के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। सो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपका इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।